रिवर। आखिरकार वही हुआ जिसकी लोगों को था अंदेशा। प्रवासी मजदूरों ने नेशनल हाईवे किया जाम। भूख और प्यास से तड़प रहे इन मजदूरों ने महाराष्ट्र से पैदल चलकर रीवा आने के बाद रीवा रतहरा बाईपास में लगाया जाम। इनके द्वारा बताया गया कि हमको रास्ता कहीं भी प्रशासन की कोई सुविधाएं नहीं मिली। महाराष्ट्र से लौट रहे प्रवासी मजदूरों द्वारा रीवा पहुंचकर नेशनल हाईवे 30 पर रतहरा बाईपास में लगाया गया जाम। फंसे कई वाहन जाम में, आवागमन हुआ बाधित। वहीं मजदूरों ने शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश के साथ खोला मोर्चा। वहीं मजदूरों का कहना कि हम लोग महाराष्ट्र से पैदल व मिल गए संसाधनों के माध्यम से यहां तक पहुंचे हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। लगभग एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं प्रशासन व पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद आश्वासन देकर पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। आक्रोशित मजदूर रोड में खड़े होकर वाहनों को रोक दिया, हाईवे में बैठ गए, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया हाईवे का। प्रशासन के हाथ पांव फूलते नजर आए। वास्तविकता यही थी कि प्रशासन द्वारा इनके लिए कोई व्यवस्था तो की नहीं गई है। आखिर वही अंदेशा, वही डर जो था सता रहा था मन में, वही सामने आने लगा। अभी ये रीवा में हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा। एक जिले में हुआ, कल बड़े दूसरे जिले में होगा, फिर प्रदेश में होगा। किस कारण से आप लोग जाम लगाए हैं? बोलिए। पहुंचा भी नहीं मिला है, जाति एमपी वाले बोल रहे हैं, यूपी बिहार को गाड़ी नहीं है, क्या करेंगे? इधर पे क्या करने के लिए बुलाया है? इतने दुखों में झाड़ रहा ना, बोला मैं छोड़ूंगा इधर पे लाके, मैं इधर को फंसा दी। और सर ये ट्रक वाला जो है 2000 रुपया मांग रहा है बिहार के लिए, जिसके पास सर खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से देगा बताइए? मिला के आपको सुविधा चाहिए जाने के लिए, है ना? तीन दिन से खाना नहीं खाया हम लोग, इधर कैंप लगा हुआ है, उसमें हम लोग गए। कैंप वालों ने बोल रहा है यूपी बिहार झारखंड वालों के लिए कुछ भी साधन नहीं है हमारे पास, जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाएं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसे जाना चाहते हैं हम लोग जाएंगे, साधन मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। चलिए आपकी व्यवस्था करवाते हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको रिवर्स दिखा रहे हैं, जहां रतहरा बाईपास में प्रवासी मजदूरों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, जिससे रीवा इलाहाबाद मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको समझाइश दी है, जिसके बाद आवागमन फिर से चालू किया जा सका है। CSP शिवेन सिंह बघेल ने बताया कि यह सभी मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं, वहां से पैदल चलकर आए हैं, जिनके आगे जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिससे यह आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिए थे। इनको समझाइश दी गई है और इनके आगे की व्यवस्था की जा रही है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम लेबर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं। और आज भी सुबह ऐसा ही हुआ, कुछ लोग जो है बिहार और यूपी के लोग ट्रकों में बैठ करके अपने घरों के लिए वापस जा रहे थे। रतहरा बाईपास के पास ट्रक वाले उनको उतार के चले गए। लगभग 100-125 लेबर जो है यहाँ पर रोड पर बैठ गए, उन्हें जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस पहुँची और पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको यहाँ से बॉर्डर पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। आश्वासन के बाद जो है वो लेबर टूट गए हैं, जाम खुल गया है, आप जैसा देख रहे हैं। नहीं, हम लोग तो केवल अपने मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक भेज सकते हैं, उसके बाद वहाँ से बॉर्डर से वहाँ यूपी के बॉर्डर में जो अधिकारी रहते हैं उनसे बात की जाएगी, और जब यूपी से परमिशन मिल जाएगी इनको अंदर भेज दिया जाएगा। फिलहाल इन्हें अभी कहाँ रखा जाएगा? नहीं, रहने की आवश्यकता नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे जो बॉर्डर के अधिकारी हैं बॉर्डर के अधिकारियों से बात करते हैं, उसके बाद उनके जाने की व्यवस्था हो जाती है थोड़ी देर में।